फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पनीर पॉप्स रेसिपी। तो देखिए, हमको पनीर पॉप्स बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा पानी में घोल लिया है, और ये हमने पापड़ लिए हैं 5-6, और इनको अच्छे से तवे पर रोस्ट कर लिए हैं। और ये हमने पनीर लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है, और चाट मसाला और किचन किंग मसाला। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अभी हम पापड़ों को ऐसे करके तोड़ लेते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने पापड़ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसको। अभी हम इसमें आना, अभी हमने पनीर में थोड़ा नमक ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग पाउडर ऐड करते हैं अभी इसमें हम लोग। हाफ चम्मच चाट मसाला, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पनीर मिक्स करके इसके ऐसे गोल गोल ऐसे बना दिए हैं, और अभी हम चलो इसको रेडी करते हैं। अभी हम इसको इसमें डिप करते हैं कॉर्नफ्लोर में, फिर इसको पापड़ में ऐसे डिप कर लेते हैं। ऐसे अच्छे से डिप कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी हम सब ऐसे ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर बोल बनके तैयार है। इसे हमने अच्छे से पापड़ में मिक्स कर लिया है। अभी हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है, और अभी हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमको इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारे पनीर पॉप्स रेडी हैं। तो आप इन्हें इस चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।